हाय ऑल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने गीतांग साइटी क्लास ऐप लॉन्च कर दिया है। आप लोग प्ले स्टोर से गीतांग साइटी क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको काफ़ी जो आपके एग्जाम में हेल्प हो सकती है, जिसमें आपको MCQ आप लोग एग्जाम भी दे सकते हो, आपको क्विज मिलेंगे। एंड जो हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 अप्रैल से, ऑलरेडी जो बैच चल रहा है उसके मैंने डेमो क्लास आप जैसे वीडियो को देखेंगे इसमें आपको मिल जाएगा। एंड ओ लेवल एंड ए लेवल जो एक हम बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग अगर ओ लेवल या ए लेवल की क्लासेस लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द ऐप। एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा है कि आप अगर हमारे थ्रू ओ लेवल या ए लेवल करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप ओ लेवल करते हैं हमारे थ्रू तो जो गर्ल्स हैं सभी गर्ल्स को 12,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, बट उसे हमारे थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आप लोग अगर ओ लेवल या ए लेवल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और ऐप को इंस्टॉल करिए एंड आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक कॉन्टेंट प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो टॉपिक कराना था जिसमें मैंने कहा था लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च होता है। लीनियर सर्च जिसमें सीक्वेंस वाइज आप सर्च करते हो, और एक हमारा होता है बाइनरी सर्च। तो एक आपने टॉपिक भी पूछा था मैम, डिवाइड एंड कॉन्कर। मैं बता रही सबको कॉपी करना होगा क्या? क्या मैम अभी आप जो बता रही है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, उसको कॉपी कर ले। कॉपी करने मतलब समझ नहीं आया, नोटबुक में कह रहे हो? नोट कर ले वो, तो देखो आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर लो, बाकी तो मैंने ये PPT बनाई रखी है, आपको लगता हो तो नोट डाउन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बाकी तो मैं कंसल्ट करा ही रही हूँ आपको। एंड अभी आप इसमें देखो पहले कंसेप्ट में लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च और आपका है आप इसमें हमारा बाइनरी सर्च, तो दोनों में डिफरेंस देखना है। तो लीनियर सर्च होता है जिसमें हम सीक्वेंस वाइज सर्च करते हैं। सपोज आपको अगर मैं बोलूं आपकी एक क्लास है तो आपको आपकी क्लास में से मतलब 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट 50 हैं। तो अगर मुझे मैंने बोला कि 25 जो नंबर के जो 25 नंबर स्टूडेंट है उसकी सीट निकाल के दो मुझे, तो आपको 1x1x1x1 चेक करना पड़ेगा। पहले आप फर्स्ट सीट को निकालोगे, फिर सेकंड को निकालोगे, थर्ड को निकालोगे, मतलब आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इसके अंदर। तो आप 25% लोगों की पहले चेक करके तब 24 की जाके 25 की सीट तब निकलती है। बट अगर इसी चीज़ को अगर हम आगे बाइनरी सर्च में समझेंगे कि उसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है हर काम सीक्वेंस वाइज होता है। तो लीनियर सर्च में एक तो ऑर्डर नहीं होता, तो आप जैसे भी आपको दे रखा है यहाँ पे 2-4 कोई भी सीक्वेंस नहीं है, मतलब कोई भी ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे दे रखा है आपको, बस आपको कोई एक नंबर है उसको सर्च करना है। सपोज आपको लीनियर सर्च में जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे सर्च करना है 1 सर्च करना है, मेरी जो जिसको हम सर्च करना है उसको हम की बोल रहे हैं। की मेरा क्या है, की मुझे जो सर्च करनी है वो मेरी की क्या है, 1 मुझे सर्च करना है। तो पहले मैंने सर्च किया इसमें क्या के जो मेरी की है क्या 1 है, बट ये तो 2 है। फिर आगे जाएगा क्या ये मेरे 1 के इक्वल है, नहीं। फिर वो आगे जाएगा क्या मेरा 1 के इक्वल है, नहीं। फिर वो आगे चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या मेरे को मिल गई, यहाँ पे मेरी की मेरे को मिल गई। अगर नहीं मिलती तो आप करते else return not found पूरा सर्च करने के बाद। तो लीनियर सर्च का जो एल्गोरिथम होता है वो क्या करते हैं, तो हमने एक फंक्शन, तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बताया था आपको। तो अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में क्या होता है, एक तो नॉर्मल आप प्रोग्रामिंग कर दो, सीधा लॉजिक लिख दिया, बात खत्म। बट आप अगर फंक्शंस के थ्रू करते हो जहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, क्लासेस यूज़ करते हैं, जो कंसेप्ट यूज़ होता है, देन वी कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो सेम ऐसे ही अब लीनियर सर्च है हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बिना फंक्शंस के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक लीनियर सर्च लिया एरे, यहाँ पे हमने एक पास कर रहे हैं यहाँ पे की, तो फॉर ईच आइटम इन द एरे हम से जो भी हमने आइटम या एल्गोरिथम है लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे पास करोगे एरे, और जिस की को फाइंड करना है वो की पास होनी चाहिए, और जो एरे है उस एरे के अंदर जो भी आपके आइटम्स हैं, जितने भी मान लो सारे आइटम्स हैं ना, सारे डाले हैं। अगर आपका जो आइटम और जो आप की मैच करवा रहे हो वो दोनों अगर मैच हो जाएगी तो उसका रिटर्न क्या कर देगा, ये इंडेक्स नंबर कर देगा। तो ये इसका एल्गोरिथम होता है। तो इफ आइटम के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो आप सपोज आइटम क्या है 2, बट की मेरी वैल्यू क्या है 1 है, ये तो इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे जैसे मैच हो गया तो वो रिटर्न क्या कर देगा, इसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कैसे, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है, जो इसका इंडेक्स नंबर है, तो 0, 1, 2, 3, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न कर देगा, 3। तो इस तरीके से हमारे पास लीनियर सर्च होता है। तो लीनियर सर्च का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी, हाँ बोलो।
इसमें वन बाय वन हम लोग पूरा वैल्यू को चेक करते हाँ जाएंगे, अगर हाँ मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर वो रिटर्न इंडेक्स कर नंबर देगा। रिटर्न कर देगा। बाकी मैंने ये वाला ओके कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, बट तुम नहीं थी तो मैं दोबारा ही कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो लीनियर सर्च में अगर इसे फंक्शंस के थ्रू करना हो कैसे, तो मैंने प्रोग्राम तो मैंने करा दिया था ये, बट मैं दोबारा ही बता रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है प्रोग्राम, तो इसको बस आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें मैंने समझा दिया था। देखो लीनियर सर्च पहले आप इसमें प्रोग्राम में देखो जो मैं आपको दिखा, इसमें क्या है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में सबसे पहले आपको एरे का साइज निकालना आना चाहिए। एरे का साइज अगर निकालना है तो हमें एरे के साइज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एरे का साइज अगर निकालना है तो आपको पता है किसी भी हमें डाटा टाइप का अगर साइज निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइज ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ये पता है या नहीं पता है? हाँ, ये तो पता है फंक्शन यूज करके। ऑलरेडी ये सब मैंने करा दिया था, बट अब मैं न्यू ही करा देती हूँ। तो मैं पूरा तो लीनियर सर्च और हमारा बाइनरी सर्च, तो लीनियर सर्च कंसेप्ट में तो अगर ये कि छोटे हमारे नॉर्मल आइटम है तो हम उसके लिए लीनियर सर्च को ही यूज़ करते हैं। विजिबल है स्क्रीन, मतलब ये व्हाइट बोर्ड जो बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं करूँ लीनियर सर्च में, सबसे पहले आप इंटीजर किसी भी उसका एलिमेंट का साइज आप चेक करते हो। आपने लिखा इंट ए, मुझे इसका साइज चेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, साइज ऑफ यहाँ पे ए, तो ये मुझे दे देगा 4। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक एरे बनाया है और एरे में मेरे पास एलिमेंट है 10 है, ठीक है 20 30, सॉरी मैंने गलती की, मैंने एक एरे लिया और इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने 10 20 30 40 50 ये सारे ले लिए, मुझे इनका साइज बताना है तो कैसे निकल सकता है। तो पहले तो आप पूरे इसका जितना एरे का साइज है डिवाइड बाय बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस ये 0 1 2 3 4, मतलब बेस एड्रेस करिए, बेस एड्रेस का जो साइज होता है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर इंटीजर मेरा ये 4 का है तो ये कितने का है, ये 10, ये कितना है सॉरी 4 है, तो ये मेरा हो गया 8। ठीक है, ये 16, ये कितना हो गया, 12 बहुत ज़्यादा, हाँ डबल कर होगा रही हूँ मैं, हाँ 12, फिर ये 16, ये कितना हो जाएगा 20। तो इस एरे का पूरे का साइज कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे का साइज कितना हो गया, इस अगर मैं आपसे बोलूँ इस ए का साइज बताओ तो आप बोलोगे 20 है, बट अगर हमें निकालना हो कंप्यूटर में अगर, तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा ये लिख देंगे जो भी नाम है इसका, क्या लिखोगे, साइज ऑफ ए, तो ये खुद बता देगा आपको 20। इतना समझ में आया? मुझे इसमें फाइंड करना है इसमें कितने एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है। वैसे तो आप देख के बता दोगे कि मैडम इसके अंदर एलिमेंट 5 दिखाई दे रहे हैं, बट अगर हमें निकालना हो कंप्यूटर टेक्निकल लाइन में, तो हम कैसे नहीं, तो साइज ऑफ ए ये 20 दिखाई दे गया। अब मुझे क्या करना है, जो इसका हमारे पास बेस एड्रेस वाला है जो है इसका साइज, हम यहाँ पे करेंगे, तो साइज ऑफ ए मैंने 0 का बोला, तो अब ए 0 का साइज बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। हाँ 4 आएगा, तो 20 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ गया 5। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप नंबर ऑफ एरे ऑफ साइज जो आपने करा एरे का साइज डिवाइड बाय बेस वाला, इससे निकल जाएगा। अब सपोज मैंने मान लो यहाँ पे कोमा, मैंने यहाँ पे 60 डाला होता तो अब कितना है खुद बता देगा, अब आपको करने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है कि ये कितना साइज, ये हमें बता देगा यहाँ पे जितना है, तो ये अपने आप कैलकुलेशन करके साइज निकाल लेता है। अब यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे हैं हमें एलिमेंट, तो ये कितना है, तो यहाँ पे जो साइज ले लेगा वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट है तो 6 पे खत्म हो रहा है,
फाइव मतलब टोटल एलिमेंट सिक्स हो गए, तो 24 बता देगा, 24 by 2 तो टोटल एलिमेंट बता देगा 6। तो कंसेप्ट समझ में आया ये वाला? हाँ मैम आ गया। ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग में कि आपको अगर टोटल एलिमेंट निकालने हो कितने एलिमेंट है, तो आप एक आपने एन नाम का वेरिएबल बनाया, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे 0, तो ये बता देगा कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल टोटल इसके अंदर आइटम जो हैं वो कितने हैं, वो एन से निकल गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा है, एक सर्च नाम का फंक्शंस बनाया है और इसमें हमने एरे पास करा है, इसमें एक एन पास कर रहे हैं और एक की पास कर रहे हैं। अब एन क्या है, एन तो हम पास कर रहे हैं टोटल आइटम, एरे क्या पास कर रहे हैं, ये पूरा एरे पास कर रहे हैं, और एक्स क्या है जो हमें फाइंड करना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि जो इस एरे के अंदर क्या वन प्रेजेंट है, तो मैंने एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 1। अब आप इसके अंदर देखो, अब हमने यहाँ तक ये करने के बाद हम इस फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो हम एरे पास कर रहे हैं, तो एरे फंक्शंस पास करना होता है, ये एरे का इस तरीके से पास करते हो, हम एक फंक्शंस के अंदर एरे पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस फंक्शंस को कॉल किया, एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम है सर्च, इसमें एरे पूरा ये वाला एरे पास कर रहे हैं, प्लस कितने आइटम हैं इसके अंदर वो पास कर रहे हैं, प्लस जो हमें फाइंड करना है वो, ये हमने पैरामीटर, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शंस मैं करा चुकी हूँ टॉपिक C++ के अंदर। ठीक है, तो अभी आप लीनियर सर्च कर रहे हो, अब यहाँ पे क्या है, हमें चेक करना है, अब एक एक करके, क्योंकि लूप, क्योंकि एरे है तो 0 इंडेक्स पे कौन है, 1 इंडेक्स पे कौन है, तो हमें एक लूप लेना होगा। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, जितना इसका साइज है। अब साइज कहाँ से निकाला था, हमने एन से निकाला था, तो आई इक्वल टू 0, आई मेरा लेस देन एन है, आई प्लस प्लस। अब आप चेक क्या करोगे, एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या एक्स के इक्वल है। अब एक्स की वैल्यू कौन सी, ये वाली, पहले वो, क्योंकि आई जब मेरा 0 है तो 0 पे कौन है, 2, तो रिटर्न क्या करे, अगर जब इक्वल आ जाए तो आई रिटर्न कर दे, नहीं तो -1 कर दे, ये चलता जा रहा है। तो वो कब तक चलेगा ये, जब तक अभी लूप के अंदर है, ये वाला काम तो तब होगा जब लूप खत्म, जब लूप से बाहर निकल जाए, बट अभी क्या है, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1, 1 पे कितना है, 4 है, नहीं मिला। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू मेरे पास पहले 0 थी, 1 थी, अब 2 हो गई, 2 पे मेरा क्या है, 0 है, अभी भी नहीं मिला, तो फिर दोबारा जाएगा। अब आई पे क्या मिला मुझे, आई 4 पे मेरे को ये 0, 1, 2, 3 पे मुझे क्या मिला, 1 मिल गया। तो आई क्या कर देगा, रिटर्न क्या कर देगा, आई, अब आई की, आई क्या है, आई जो नंबर है, ये नंबर क्या, ये जो हम बोल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 0, 1, 2, 3, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, क्योंकि मिल गया है। अगर नहीं मिलता तो ये आगे चलता, बट आई, क्योंकि हमने बोला एरे और जो की है वो मेरी दोनों इक्वल हो जाए, तो वो मुझे क्या कर देगा, वैल्यू कर देगा। तो कैसे कि इसके अंदर आप जैसे देख ही रहे हो, तो इसमें हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमने सर्च किया कि जो मेरी वैल्यू है क्या वो मेरी एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एरे के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो आप उसको बोल दोगे कि भाई ये उसके बराबर हो गया। तो अब अगर हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले 2 था, ठीक है, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर इसमें 10 है, फिर इसमें 12, तो सबसे पहले यहाँ से ये पूरा का पूरा ये इसमें पास हो गया। फिर अब n है, n हमने कितना निकाला, n क्या, जो भी मैंने अभी बताया, क्योंकि टोटल ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, ये आई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया। तो अब हमने ये पूरा, तो n का जो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कैसे निकलेगा, ये हमने अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलता है, टोटल एलिमेंट कितने एलिमेंट है यहाँ पे, ये 20 कितना हो जाएगा, ये 24 डिवाइड बाय कितना, 4 से, तो ये कितना आ गया, 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इसे 6, तो इस n से क्या गया, यहाँ पे 6 चला गया, और इससे ये एरे। अब x कितना है, x आपने बोला है कि 1 होना चाहिए, तो अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे लूप चलाए, अब आपने लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन n, तो i कहाँ तक चलेगा, i चलेगा मेरा 6 तक। तो अब हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो काम किया हुआ है, इसी में हमने, इसमें से वो मिस हो गया, गलत, ठीक है, तो यहाँ से वो, अब हमने क्या बोला, एरे आई, एरे के 0 इंडेक्स पे ये है, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे क्या है, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये 1 के इक्वल, अभी 0 इंडेक्स पे क्या है, 2,
तो ये इसको कट कर देगा क्योंकि अभी तो नहीं आई, फिर ये इसको अभी 1 के इक्वल नहीं है, ये भी 1 के इक्वल नहीं, अब ये यहाँ पे आ गया। और अब क्या बोला है, जैसी वैल्यू मिल जाए रिटर्न क्या कर दे आई। अब आई कितना आ गया यहाँ पे, आई मेरा 3 आ चुका है, तो ये आई रिटर्न कर दे, कहाँ से कॉल कर देगा, जहाँ से कॉल हुआ था ये फंक्शन, फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। तो रिजल्ट में क्या दे देगा, ये रिजल्ट में दे देगा ये 3। अब आपने बोला रिजल्ट इज इक्वल टू -1, बट रिजल्ट तो -1 आया ही नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू मिल गई है। अगर -1 हुआ आता तो आप ये आता एलिमेंट नॉट फाउंड, बट हमारा क्योंकि हमने ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर बताया था मैंने, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाले, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये, बट यहाँ पे हमारा -1 नहीं आया तो ये नहीं चलेगा। अब चलेगा क्या, यहाँ पे बोलेगा सी आउट एलिमेंट फाउंड एंड इंडेक्स, ये लाइन लिखी आ जाएगी रिजल्ट, रिजल्ट में क्या दे देगा आई की जो वैल्यू आई है 3। तो इस तरीके से लीनियर सर्च होता है, समझ में आया। अभी मैं बताइए क्लियर है। वॉइस तो मेरी आ रही है, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम हाँ मेरे, अब आप बोल रहे थे भाई जब आपने बोला ही नहीं था, मैंने बोला था कि आपने ठीक है। पूछा ना कि आपको समझ में आया, मैंने हाँ बोला हाँ यस मैम आया था। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर सर्च। तो यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं मैम यहाँ का कोई ठीक है, डाउट तो नहीं। ये था हमारा लीनियर सर्च। बट अब हमें सेम बाय, अब आपको थोड़ा सा अगर इसको रीड आउट करना है तो इसे देख लीजिए कॉपी में, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर मैं बाइनरी सर्च कराती हूँ रिकॉर्डिंग। बस ये देख लिया करो, रेड कलर की है ना, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। अभी यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक है, हमने लीनियर सर्च कर लिया। तो लीनियर सर्च की एक तो आपको पता होनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही लूप है तो कितना होगा, एन ही आएगा ना। तो वैसे तो याद हो जाती है थोड़ी, बट याद नहीं कर सकते तो ऑलरेडी मैं निकालना सिखा रखा है। अगर फोर लूप होता है क्योंकि, तो आप यहाँ पे कितनी बार अपने उसको पास करोगे, हमें जितने एलिमेंट का साइज होगा उतना, तो आपने कितना दिया एन, तो इसका क्या आएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है लीनियर सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, ये छोटी छोटी चीज़ें ना कॉपी में नोट डाउन करा करो, लास्ट में एक नोट्स बना लेना, आपको जितनी सर्चिंग कर रहे हो उन सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। लीनियर की कितनी होती है, बाइनरी की कितनी होती है, बबल सॉर्टिंग की कितनी होती है, बबल सॉर्ट की कितनी होती है बताओ। अभी मैं लास्ट क्लास में मैंने बबल सॉर्ट कराया था, बबल की कितनी होती है, अभी भी आवाज आ रही है आपको मेरी, वॉइस आ रही है मेरी हबीब आपको? हबीबा क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं पता नहीं चल रहा मुझे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही है। हाँ अब हेलो, आई है, अब आई है आपकी आवाज़। मैं तो बोल रही हूँ तब से, मेरा हाँ माइक भी ऑन था। हाँ पता नहीं, बट अभी आई है आपकी वॉइस मेरे को। चलो ठीक है, तो मैंने कहा टाइम, मैम, एन स्क्वायर में भी होता है, मुझे हाँ याद नहीं, इसमें लेकिन एन मोस्ट स्क्वायर केस में होता बताया है। था, ये जो मोस्ट केस होता है उसमें बिग ऑफ एन होती है। एक लास्ट में जब सर्चिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक टेबल बनवाऊंगी आपकी, आपको वो टेबल बनानी है और आपको हर किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमने करा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन द टू वे। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जो लीनियर सर्च होता है उसमें मैंने आपको बोला कि 50 स्टूडेंट है, मैंने आपको बोला था कि जो 25 स्टूडेंट, जो 25th जिसका रोल नंबर है उसकी आप कॉपी निकाल के दो मुझे, तो आप एक एक करके सर्च कर रहे थे। बट मैंने आपको बोला कि भाई आप 25, तो अब एक कुछ बच्चे ऐसे आप ही हो ना, हो सकता है आपने क्या करा, स्टार्टिंग की ना 20 कॉपी उठा के रख दी, एक साइड में रख दी। अब आपको क्या, सर आपको दिखा जो पहली जो सीट दिखाई दे रही है वो 21 दिखाई दे रही है,
जो सीट 21 दिखाई, अब आपको पता 25 पे पहुंचने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपने 20 कॉपी तो उठा के साइड में ही रख दी, आपने एक करके सर्च नहीं करा। एक एक करके जो सर्च कर रहे थे वो लीनियर सर्च था। अब आपने क्या करा, मैंने कहा आपको एक एक कॉपी उठा के नहीं करनी, आप ऊपर की कोई भी कॉपी उठा लो और उसमें से ना मुझे 25 में रोल नंबर की कॉपी दे दो, आंसर शीट दे दो मेरे को। तो आप क्या करोगी, सीधा आपने ना सीट्स उठाई और साइड में रख दी, और आपके पास जो अब पहली सीट दिखाई दी है वो 21 है। तो आपने अब क्या करा, 21 के बाद अब क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो बड़ी आराम से ढूंढ के दे दिया, तो आपको एक एक करके सर्च नहीं करना पड़ा। तो सेम ऐसे ही काम हमारा बाइनरी सर्च करता है। मुझे जब पता चल जाए कि भाई बाइनरी सर्च के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इस बाइनरी सर्च के अंदर, आप बाइनरी सर्च में हमें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सर्च नहीं करना पड़ रहा। इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। तो कैसे करते हैं, तो बाइनरी सर्च को दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, वन इज द इटरेटिव, देन इज द रिकर्सिव। इटरेटिव मतलब जो लूप के थ्रू करते हैं, रिकर्सिव मतलब इसमें हम लूप यूज़ ना करके रिकर्सन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो रिकर्सन फंक्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। क्लियर, क्योंकि इसको तुम उस दिन पूछा भी था, तो तुमने मैम डिवाइड एंड कॉन्क्योर किसे कहते हैं, ये क्लियर है। मैम आप ये जो बता रही थी कि वन बाय वन नहीं करते हैं, उसके बाद आप क्या बोली कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, किसको मतलब ये जो आप क्या बता रही थी, इटरेटिव मेथड क्या होता है, एक बार बता दीजिए ना मेरा। का मतलब जैसे इटरेटिव का मतलब यहाँ पे लूप होता है, वन आई इक्वल टू वन, आई जीरो टू, आई थ्री, आई फोर, इस तरीके से जो कर रहे हो लूप के थ्रू हम जो यूज करते हैं उसको हम लूप के थ्रू जो कर रहे हैं वो इटरेटिव मेथड। जो हम विदाउट लूप मतलब हम रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं उसको हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। जो रिकर्सिव मेथड जो यूज करते हैं उसको हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच कहते हैं। क्लियर, आपने सुना इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट किस में होती है, जो फोर लूप होता है, आई वन, आई प्लस प्लस, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, इस तरीके से। क्लियर है, हाँ मैम क्लियर है। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पहले समझते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का मतलब है क्या। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच, इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बड़ी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करोगे, फिर आप उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है उसको और सॉल्व करोगे, फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उनको एक दोबारा से आप उसे कंबाइन करते हो और आपका आउटपुट मिल जाता है। आप समझिए कंसेप्ट कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिथम, कैसे पहले डिवाइड फिर कॉन्क्योर फिर उसको कंबाइन। अब इसका मतलब है क्या, हम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मैं अभी बोल रही ना। तो यहाँ पे क्या है, तो क्या यहाँ पे करें, कॉन्क्योर, कॉन्क्योर में क्या कर रहे हो आप, सॉल्व द स्मॉलर सब प्रॉब्लम, मींस कॉन्क्योर में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेते हैं। तो हमारा जो ये कॉन्क्योर है, इस मेथड में हम पहले डिवाइड, कॉन्क्योर, उसको कंबाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे आप सबसे पहले जैसे इसके अंदर, तो ये आपको एक एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो एक तो जब हम बाइनरी सर्च करेंगे ना, तो उसमें पहले से आपके एलिमेंट सॉर्टेड होंगे, या तो वो असेंडिंग में होंगे या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब या डिसेंडिंग में, ठीक है। मतलब पहले से वो नंबर क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। पहले से क्या नंबर होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए, ये इसका एक रूल है। किसका, बाइनरी, बट लीनियर का कोई ऐसा रूल नहीं था, बट बाइनरी सर्च में होता है। तो सबसे पहले इनको अरेंज करा, ठीक है। बट अभी हम ये वो बाइनरी सर्च नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड बता रही हूँ। तो इसमें आप देखोगे तो पहले डिवाइड एंड कॉन्क्योर में क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, फिर आपने क्या करा, इसको और भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले 7-6 पूरा ये एरे था, इसको आधे हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया, फिर इसका भी हाफ इधर कर दिया, हाफ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और इसका राइट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसको हमें अरेंज करना था सॉर्टिंग में। तो अब क्या होगा, जो आपने करा इनको, अब इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया और आपका ये एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। इसको हम वैसे मर्ज सॉर्टिंग कहते हैं, जो अभी मैंने ये एग्जांपल दिखाया है, किसका एग्जांपल है, मर्ज सॉर्टिंग का। बट इसी को हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड भी कहते हैं। तो समझ में आया डिवाइड एंड कॉन्क्यूर किसे कहते हैं। हाँ मैम, आपने बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटे पहले डिवाइड करके छोटे छोटे में प्रॉब्लम में सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का रूल क्या होता है कि पहले से आपका नंबर क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। तो एक बाइनरी सर्च है, तो इसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है, मतलब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि
फोर, मेरी की क्या, उसमें हमने की बनाई थी वन, इसमें हमने की सर्च करने की, मतलब जिसको हमें फाइंड करना है, जो आइटम हमें फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, फोर फाइंड करना है इस वाली लिस्ट के अंदर। तो लीनियर सर्च में तो हम एक एक करके कर रहे थे, ठीक है, बट ये बाइनरी सर्च है। बट अगर मान लो फोर सर्च ना करना हो, मुझे एट सर्च करना होता, तुम कहते हो तो जल्दी से मिल जाएगा लीनियर सर्च में, क्योंकि लीनियर सर्च में तो जल्दी मिल जाएगा, जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स में, बट एट सर्च करना होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है, कि करके सारा सर्च करना। तो हमें दोनों तरीके से सोचना होता है, बट अगर हमारी छोटी प्रॉब्लम है तो हम लीनियर सर्च कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बेकार है, दोनों अपने अपने जगह एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो बाइनरी सर्च अब हमें करना है, तो बाइनरी सर्च मैंने आपको बताया कि अगर 50 बच्चे हैं, मैंने बोला 25 की आंसर शीट दो, तो आप अगर लीनियर सर्च करते हो तो आप एक एक करके सर्च करते हैं, बट हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि अगर मुझे तो आप पहले क्या करते, 24 कॉपियाँ एक साइड में उठा के रख देते और 25 वाली रैंडमली निकाल लेते, ऐसे ही करते ऐसे ही करते है ना। बट अगर मैंने कहा होता कि नहीं एक एक करके करो, तो फिर आप एक एक करके पहले रोल नंबर चेक करते तो टाइम लगेगा ही उसमें, बट ऐसे करने में नहीं। तो बट बाइनरी सर्च उसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें फोर सर्च करना है। तो हमारा एक रूल होगा इसमें, हम जो बनाएंगे, एक बनाते हैं, एक को लो बनाते हैं और एक को हम क्या बनाएंगे, हाई। तो कुछ भी इसको रख सकते हो आप, फर्स्ट या लास्ट कर सकते हो, कुछ लोग फर्स्ट और लास्ट लिख लेते हैं। ये समझ में आया कि हमने क्या करा, जो मेरा जीरो इंडेक्स नंबर है उसको हम बोलेंगे लो, जो मेरा लास्ट इंडेक्स है उसको हम बोलेंगे हाई। यहाँ तक बताइए क्लियर? हाँ मैम, यहाँ तक क्लियर। इसमें कोई डाउट हो? नहीं। फिर अब हमें क्या करना, हमने लो और हाई, तो हमने दो पॉइंटर ले लिए, एक लो लोएस्ट के लिए, एक हाई ले लिया हाईएस्ट के लिए। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, हमें इसमें निकालना है मिड, फाइंड द मिडल एलिमेंट मिड ऑफ द एरे। तो हमने इसका फॉर्मूला होता है एरे लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब लो अगर मैं इंडेक्स को चेक करूँ तो लो मेरा कितना है, 0, हाई मेरा कितना है, हाई का इंडेक्स 6 होगा, 6 होगा, मैं इंडेक्स बोल रही हूँ, अगर मैं इंडेक्स, तो 0 प्लस 6 कितना, अगर मैं यहाँ से भी करूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर हम इंडेक्स को करें, तो अगर हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग करें या फिर इसके थ्रू, तो हमारे पास ना ऑप्शंस होते हैं, हम लो प्लस हाई जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम कर रहे हैं। एक बार इसके लिए नोटबुक है आपके पास, तो नोटबुक से करना, तो सभी समझ, नोटबुक ले लो अगर आपके पास नहीं है तो। नोटबुक ले लिया मैंने, वही मैं कर रही हूं। पहले ये एलिमेंट ले लो आप, एक अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि बार बार फिर स्क्रीन पे लिख लिया 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिखा है कि इसका लो का इंडेक्स तो 0 होगा और हाई का 6 होगा और डिवाइडेड बाय 2 तो 3 आएगा ना। हाँ मैं वही बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। अगर आप करते हो 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, 12 फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो भी 6 आएगा। हाँ, तो वो एलिमेंट आ जाएगा। तो इसने क्या करा, यहाँ पे जब हमने करा तो 6 एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 6 हमारे पास अगर हम कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या लो प्लस आई, अगर मैंने इस तरीके से कर रही हूँ तो यहाँ पे आपने अगर आप कर रहे हो तो आपके पास कितना आया कि हाई डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कौन सी आई, यहाँ से हम निकालते हैं क्या मिड एलिमेंट, मिड एलिमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर हम इसको भी करें, यहाँ पे कितना होता 0 और यहाँ पे कितना होता 6, अगर मैं इंडेक्स, तो 0 प्लस 6 कितना होता 6। मैंने मैम मैंने ऐसे ही किया तो मेरा 3 आया था, तो 6 हो गया। 0 1 2 3 पे क्या आएगा 6, समझ में आ गया? हाँ, ये 6 कैसे आया, क्लियर है? हाँ मैम ये आ गया। तो हमने क्या करा है कि ये इंडेक्स नंबर 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, इस तरीके से हमने लिया। यहाँ पे मेरा हो गया 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 5, ये मेरा 6 हो गया। तो अब हमने क्या करा, हमने मिड निकाल लिया, तो क्योंकि 3 आया तो 3 ही हो गया, क्लियर? इस तरीके से तो यहाँ पे बोला है एक्स इज इक्वल टू मिड, क्या आपने जो की, आपकी की क्या थी, हमारी 4 थी। अब एक्स इज इक्वल टू मिड, बट मिड मेरा कितना आया है, मिड तो मेरा 6 आया है, क्या ये इक्वल है? नहीं नहीं है। तो फिर हमने बोला एल्स कंपेयर द एलिमेंट बी टू द सर्च विद एम। अब आपको क्या करना है, अगर ये इक्वल नहीं है तो अब एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ये एल्गोरिथम लिखा है मैंने, कंपेयर द एलिमेंट टू बी सर्च विद एम, एम से हमें सर्च करना है। अब एम इसको बोल रहे हैं मिड को। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स की वैल्यू
मिड से बड़ी है, ठीक है, कंपेयर करो। अब एक्स कितना है? 4, और मिड कितना है? 6, तो ठीक है। छोटा यहाँ पे हम बोल रहे हैं मिड से कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के बाद बोल रहे हैं एक्स विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मिड। तो यहाँ पे ये तो राइट साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, इस तरीके से। तो दिस इज डन बाय द सेटिंग लो टू लो, लो को तो कर दो मिड +1, और इसको कर दो हमने हाई को मिड -1। तो हमें ये करना है। अब हमें ये एल्गोरिथम है जिसमें हम ये बोल रहे हैं, अब आपका जो मिड यहाँ पे था, हमने क्या बोला था कि जो हाई है, अब देखो हाई जो है ना, यहाँ पे जब मिड आ गया, मिड के बाद जो ये है इसको बोल रहे हो कि क्या कर दो, -1 कर दो। और इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी देखो एल्गोरिथम में क्या था बताओ क्या था इसमें, क्योंकि पहले ये मिड तो पॉइंट एक्स की वैल्यू तो निकालेगा, बड़ा है, अगर एक्स की उसके वैल्यू बाद तो बड़ी नहीं थी ना, दो एक्स की वैल्यू तो बड़ी नहीं थी। जब एक्स की एक्स की वैल्यू वैल्यू बड़ी बड़ी नहीं जाएगी थी तो तो उससे हमने -1 +1 नहीं कर करा, देंगे ना। हमने ये वाला पार्ट नहीं करा, हमने कौन सा करा, मिड -1 कर दिया। हाई को क्या बोल दिया, हम ये बोल रहे हैं हाई को क्या कर दो, मिड -1। तो मिड ना यहाँ पे पहुँचा दो, एक कम कर दो, जो भी इसका इंडेक्स नंबर था तो 3 था, 3 -1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया, चलो फाइव ठीक है। तो अब हमने बोला है जो मिड -1 करके उसको क्या दे दो, हाई बना दो, ये बोला है हमने, उसको क्या बना दो, हाई बना दो। बट अगर वैल्यू बड़ी होती तो हम मिड +1 करते, उसको क्या बना देते, लो बनाते। समझ में आया? हाँ मतलब अब आप देखो, समझ आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे ये मिड है, मिड आपका ये था, मिड अगर आपकी जो एक्स की वैल्यू है ये तो बड़ी नहीं है, अगर ये बड़ी होती तो हम लो +1 कर देते, तो जो भी इसको हम आगे बढ़ाते। बट यहाँ पे तो मिड हम बोल रहे हैं और क्या करते, लो इज इक्वल टू मिड +1 करते, मतलब मिड +1 करते तो हम इसको आगे बढ़ाते, बट हम इधर की तरफ जाते हैं मतलब, ठीक है। बट अब हम क्या है, क्योंकि वैल्यू छोटी है तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, इधर की तरफ जा रहे हो आप? हाँ मैम, लेफ्ट साइड जा रहे, राइट हाँ, साइड नहीं जा रहे। क्योंकि इस वाले केस में अगर होता, सपोज मान लो आपका 8 होता, ठीक है, तो आपका मिड अगर ये है तो आपकी वैल्यू क्या होती, ये बड़ी होती। और अब आप बोल रहा है कि फिर इसको लो बना देते हम, क्योंकि मिड में 1 + 8 तो ये बन जाता। बट इस वाले केस में हाई पे इधर की तरफ है, दोबारा से समझ लो क्या कर रही हूँ मैं, ये हमारा लो था और ये मेरा क्या है, हाई है। तो लो है और ये मेरा हाई है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे पहले हमने चेक किया ये मिड के इक्वल नहीं आई, बट ये वैल्यू क्या है, ये छोटी, एक्स हमारा कितना है, 4 है, बट 4 है तो हम इससे ये पता चलता है कि अगर छोटी वैल्यू होती है तो हमें इधर जाना होता है, बड़ी वैल्यू होती है तो हमें इधर जाना होता है। अब बट हमने लो तो इसको बना रखा है, तो ये लो तो यहीं रहेगा, लो तो ये मेरा यहीं रहेगा। अब हाई मैंने इधर बना रखा है, तो हम क्या कर देंगे, हमने ये बोल दिया कि जो हाई है ना, हाई किसको बना दो, मिड -1। अब मिड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, जो इंडेक्स नंबर था हमारा 3 -1, तो कितना हो गया, 2। अब ये हाई को क्या कर दो, इंडेक्स 2 पे पहुंचा दो, तो यहाँ पे ये मेरा हाई आ गया, ठीक है। तो ये लो हो गया और ये मेरा हाई हो गया। समझ में आ गया? समझ जब उससे इससे ये पता चल रहा है ना, मुझे इधर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, जब जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो छोटा है मिड से, तो हम हमेशा अब इनको चेक ही नहीं करेंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो आपका टाइम बच रहा है ना, बट बाकी अगर उस केस में अगर होता तो हमें दिक्कत होती। अगर मान लो मुझे सर्च करना होता, आर्ट सर्च करना होता, तो मुझे इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहाँ जाती, इधर की तरफ ही जाती। क्लियर? हाँ मैम, तो ये एल्गोरिथम यही है जो मैंने अभी आपको समझ में, एल्गोरिथम समझ में आ गया? एल्गोरिथम समझ में आ पेपर में आता है तो एल्गोरिथम भी लिख देना, क्योंकि आपका प्रोग्राम कम आते हैं, एल्गोरिथम ज़्यादा आते हैं, तो वही सब चीज़ें की है। और ये वाला स्टेप, अब यहाँ पे लो और हाई पहुँच गए, ये वाला स्टेप अब दोबारा करना है। कौन सा वाला स्टेप, जो हमने डिवाइड किया था, अब ये लो है ये हाई है, दोबारा से क्या करो, अब यहाँ पे लो की जो वैल्यू है गया। आपने क्या कर है, उससे फिर 5 -1 कर देंगे ना तो हो तो ये हो जाएगा। जाएगा 0 + आपका इंडेक्स नंबर कितना है, 2, क्योंकि ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, तो 0 + 2, 2 / 2, दोबारा से मिड निकालोगे 1, 1 पे कौन है, ये 4 ठीक है। है।
अब हमने फिर वही हमने हमने एल्गोरिथम क्या सीखा था, जो मिड है अगर इक्वल टू एक्स के आ जाएगा तो आप बोल दोगे एलिमेंट फाउंड, अगर एल्स नहीं तो फिर दोबारा वही गलत केस करोगे, चेक करोगे कि एक्स बड़ा है मिड से या एक्स छोटा है मिड से। बट बड़ा होता है तो मिड प्लस वन करते हो, इसमें मिड माइनस वन करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ मैम, मतलब अगर इसमें एलमिट पॉइंट अगर नहीं मिलेगा मिड पॉइंट नहीं मीन्स मिलेगा तो आपको सर्च कर लो। तो अगर आपके पास ही, बात है आपके पास इसमें पहले से सॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है, आप खुद सोचो। अगर मान लो मैंने सर्च किया होता टू एक्स को, ठीक है, टू तो लिस्ट में पूरे में कहीं नहीं है। आप मान लो यही लिस्ट है पूरी, ये पूरी लिस्ट है, ये लो है, ये मेरी हाई है। तो पहले तो आप मिड निकालते, मिड निकालने के बाद आपने बोला कि वो टू होना चाहिए, तो आपने सर्च किया कि ये जो टू है ये बीच वाला तो नहीं है, फिर आप कहाँ जाओगे, इनको तो आप निगलेक्ट कर दोगे क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और हमें इधर, तो ये लो, इसको लो बनाते, इसको जैसे बना रखा है वैसे ही करते। अब क्या करते, अब आपने मिड निकाला दोबारा से, तो ये कितना आया, फोर। अब फोर दोबारा से अभी भी वो एलिमेंट नहीं मिला, अभी टू क्या है, तो इधर की तरफ बचा, अब इधर की तरफ में अब एक ही तो एलिमेंट बचा है, तो आप क्या लिख दोगे, रिटर्न कर दोगे नॉट फाउंड। हाँ मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो x इज इक्वल टू मिड आ गया, और आप ये कर दोगे x इज फोर इज फाउंड। तो यही एल्गोरिथम लिखा हुआ है, पहले आप मिड निकालते हो, अगर वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न कर दोगे मिड, अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो अब एल्स इफ कर रहे हैं। अब हमने दो एल्स इफ, या तो वो वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी, बड़ी होगी तो मिड प्लस वन करते हो, अगर छोटी होती है तो मिड माइनस वन करते हो, ये इसका एल्गोरिथम है। क्लियर? हाँ मैम, क्लियर है। ठीक है, और यही प्रोग्राम के थ्रू करना है आपको, कि सबसे पहले आपने इसमें जो हमने करते हैं, इसको ऑलरेडी मैंने करा हुआ है इसमें प्रोग्राम, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स वन, किसको सर्च किया था, फोर को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइव का करूँ तो यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ कोई एलिमेंट जो है नहीं, टू कर लेते हैं, क्या कह दिया उसने, नॉट फाउंड। ठीक है, वो कैसे, जो हमने लॉजिक सीखा है अभी, क्लियर, वही सब चीज़ लॉजिक है जो है, कुछ नहीं करा हुआ, या तो वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी, छोटी होगी तो माइनस वन, बड़ी होगी तो मिड प्लस वन, ये लॉजिक लगाना है। बाकी अभी मैंने आपको लीनियर सर्च में बता दिया कि बाइनरी, जैसे उसमें लीनियर सर्च का फंक्शन बनाया था, इसमें बाइनरी, एक एरे पास किया, जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो पास कर दिया, और एन माइनस वन तक हमने इसको चला रहे हैं। तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, लॉजिक आपको बस आना चाहिए, लॉजिक में आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है, एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए। प्रोग्राम लिखना होगा मीन्स देखो पेपर में अभी तक प्रोग्राम, तो अगर प्रोग्राम आया तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अगर एल्गोरिथम बोला तो एल्गोरिथम, अगर बाइनरी सर्च करने के लिए बोला है, कोई प्रोग्राम नहीं बोला हुआ, तो जैसे मैंने अभी पीपीटी में स्टेप लगा रखे हैं या आपको समझा रखा है कि पहले मैंने डिवाइड किया, लो करा, हाई करा, वो सब करना पड़ेगा। ठीक क्लियर? है। हाँ मैम, तो यहाँ तक कोई डाउट? प्रैक्टिकल इसमें में कैसा क्वेश्चन आता है, वो जो एग्जाम इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल होगा पेपर मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ना। ओके आपको देख लेना कैसे आता है, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और अब आपका जो टॉपिक रहेगा जिसमें आपको करना है, लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब कौन सा, बबल सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग वगैरह करनी थी, बट अभी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए फिर। ठीक है मैम। मैम कल क्लास होगा या नहीं होगा? ओके क्लास कल होगा, क्यों कल क्लास नहीं लेनी, पढ़ाई पूछ रही थी कभी क्लास ना लेनी हो? क्लास ना लेनी हो अगर आप सैटरडे एक दिन ऑफ दे देती, क्योंकि मुझे सैटरडे है, कल मार्केट सैटरडे है,